नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक ऐसा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं आप लोगों के सामने। लेकिन मेरे जो मन में या मेरे दिल से जो आवाज़ निकल रही है ना, वो आज मैं आप लोगों के सामने बोलूंगा। मैं नहीं बोलूंगा, मेरे दिल से आवाज़ निकलेगी वो मैं आप लोगों के सामने बोलूंगा। आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछूंगा। क्या आपको लगता है कि लड़का और लड़की समान है? हालांकि कानून की तरफ से लड़का और लड़की दोनों समान हैं। इसके बाद बात करें रिटर्न में, सारी चीज़ें अगर देखे जाएं कानून की, उससे तो लड़का लड़की समान होते हैं। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप लोगों को जवाब देना है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, देश के अंदर, जो लड़के लड़की में बिल्कुल अंतर नहीं करते। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां, उनको काफ़ी नेगलेक्ट किया जाता है। आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि लड़कियों की पढ़ाई रोक दी जाती है क्योंकि लड़कों को पढ़ाना होता है। फिर वो समानता कहाँ चली जाती है? क्या वो समानता सिर्फ वो लिखित तक रहनी चाहिए? क्या वो समानता अप्लाई भी होनी चाहिए? इसके बाद अगर बात करें लड़की की, अगर मन हो लड़की का, ना हो, उसकी शादी कर दी जाती है। और ऐसा तो बहुत ज़्यादा होता है, लड़की का मन हो ना हो, अगर वो पढ़ना भी चाहे, अगर वो कुछ बनना भी चाहे, लेकिन उसकी जो ख्वाब है ना, उसके ख्वाब नहीं होते, उसके ख्वाबों का गला घोट दिया जाता है। बोलते ना, एक तो होता है सुसाइड करना, एक होता है मर्डर करना। उसकी भावनाओं को कत्ल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़की है, क्योंकि उसके कोई सपने हैं ना, उनकी कोई कदर नहीं होती। क्योंकि वो लड़की है और उसकी एक गलती है कि ऐसे लोगों के बीच उसका जन्म हुआ है जो लोग गलत करते हैं। देखो, सभी गलत नहीं होते, लेकिन जो गलत है उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद बात आती है, अगर पढ़ाई की बात करें, मोस्टली आपने देखा होगा देश के अंदर 10वीं 12वीं करा के लड़कियों को बैठा दिया जाता है। देखो, जहाँ पे डेवलपमेंट है वहाँ पे तो ठीक है, हम मान रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ना एक रीज़न ये भी है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी इनसिक्योर फील करते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कोई लड़की पढ़ने भी जा रही है तो 10 लड़के उनके पीछे भागेंगे, बाइक लेके जा रहे हैं, उन पे कुछ क्या क्या कमेंट करेंगे। तो ऐसे में पेरेंट्स को भी डर लगता है, क्योंकि उनको भी लगता है कि हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, लोगों को भी सोचना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें समानता, तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है, ये सिर्फ वो दिखावटी वो है, रियलिटी कुछ अलग होती है। इसके बाद मैं बताऊं, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, बहुत सारे लोगों से सुना है। वो क्या बोलते हैं कि भगवान तुम्हें जैसे विशेष देते हैं, तो क्या बोला जाता है, भगवान तुम्हें बेटा दे। अब बेटा दे, इसका मतलब क्या हो गया कि बेटी नहीं चाहिए, बेटी ना दे, मतलब बेटा जो है वो श्रेष्ठ है, जो बेटा है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और बेटी उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो वहाँ पे समानता कहाँ रह गई? अब एक बात बताइए आप। इसके बाद हम बात करते हैं, जब वो लड़ाइयाँ होती हैं तो लोग बोलते हैं कि तू बेटे का मुंह ना देखे, कभी पूत का मुंह ना देखे। ये सब मैंने सुना है यार, बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी बोलते हैं। तो ऑनेस्टली मैं आपको अगर बताऊं, मेरे माइंड में ना कभी ये चीज़ रही नहीं कि बेटा बेटी कुछ ऐसा है। मेरी नज़र में दोनों समान रहे। और इवन मैं, मेरी जब बेटी रिद्धि हुई थी, ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इतनी खुशी हुई थी, शायद लड़के के लिए ना होती, मेरे दिल से, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ यार मेरी बेटी हुई है। और अगर उसे कुछ होता है ना, दिल पे दर्द होता है, दिल पे लगती है। और उसकी जो डिमांड है ना, वो मेरे, ये लगाओ चाहे मेरे पास कुछ है या नहीं है, जब वो कोई डिमांड करती है तो मैं कहीं से भी लेके आता हूँ, उसके लिए लेके आता हूँ। काफ़ी लोग हैं जो, मतलब जब वो, और उसके बाद जब जैसे लड़कों के लिए होता प्रोग्राम, तो शायद लड़के के लिए मैं इतना नहीं कर पाता, जब मेरे बेटी का जन्म हुआ था तो उसके लिए जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, छोटा सा प्रोग्राम किया, जो भी कुछ, क्योंकि सोच बदलने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी यार, लड़कियों के लिए अगर हम बात करें तो लेडीज़ खुद लेडीज़ के लिए एक खतरे का काम करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स लेडीज़ ही डालती है माइंड में, जो ज़्यादातर मैंने देखा है।
लेडीज अगर किसी का क्या बोलती है कि लड़का होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि लेडीज के माइंड में सबसे ज्यादा ये चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे बहुत दुख होता है देख के कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन रोक दिया जाता है, जबरदस्ती शादी कर दी जाती है। तो साथियों लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, और जो लोग जिन लोगों के माइंड में इतनी गंदी सोच होती है लड़के और लड़कियों के बारे में, वो इंसान मेरी नज़र में दुनिया के सबसे नीच इंसान है, जो लड़के और लड़कियों में इतनी लड़के और लड़कियों के बारे में इतनी गंदी सोच रखते हैं कि लड़के मतलब आगे हैं लड़कियों से, या लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो मेरी नज़र में वो सबसे गंदे लोग हैं। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता था, और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि अगर आपके आसपास भी अगर ऐसा होता है, या आपने देखा है, या रियल में लड़के और लड़कियां समान हैं। देखो काफ़ी ऐसे अच्छे लोग भी होंगे जिनके नज़र में समान होंगे, लेकिन बहुत सारे 2 लोगों से 10 लोगों से ऐसा नहीं होता कि चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो कोई नहीं, आप अपने व्यूज जरूर दें, ये मैं कहना चाहता था। और जो गंदे दुनिया के सबसे नीच आदमी ये सोच रखते हैं, वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। और अगर मैं अपने जो भी मेरी बहनें जिनके ऊपर कोई जबरदस्ती हो रही है, ध्यान रखें, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, ये नहीं कि जिंदगी भर आप गुलामी करें, आप अपनी खुशी से ना जी सकें। अगर आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, घर वाले भी जबरदस्ती कर रहे हैं कि तुम्हें शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, तो ध्यान रखें, कंप्लेन कर दीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी आपका छोटा सा स्टेप आपकी जिंदगी बदल सकता है। नहीं तो आपको जिंदगी भर घुट घुट के जीना है, क्योंकि अगर अपना वो होता है जो अपनों के बारे में सोचे। थैंक यू वेरी मच, बुरा लगे तो माफ कर दीजिए।